छोटे से शहर में एक परिवार रहता था, जिसमें महेश, उसकी बीवी कमला और उनके दो बच्चे पिंकी और बबलू रहते थे। महेश कपड़े की एक फैक्ट्री में काम किया करता था। एक दिन फैक्ट्री में आग लगने के कारण फैक्ट्री के मालिक ने बहुत से लोगों को काम से निकाल दिया, जिसमें एक महेश भी था। वैसे ही महेश आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और ऊपर से नौकरी चले जाने के कारण घर के हालात और खराब हो गए थे। एक दिन पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, तब कमला महेश से बोलती है, घर का राशन खत्म होने वाला है, बस 3-4 दिन का ही राशन बचा हुआ है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं कोई नौकरी भी तो नहीं मिल रही, अभी तो घर का किराया भी देना है, अगर मुझे जल्दी कोई नौकरी नहीं मिली तो हम सड़क पर आ जाएंगे। परेशान मत हो पापा, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। अगले ही दिन सुबह पड़ोस की एक औरत महेश के घर आती है। सब लोग उनको प्यार से मौसी बुलाते थे। वो बहुत अच्छे पैसे वाले घर से थी और अक्सर लोगों की मदद किया करती थी। अरे कमला, मैंने सुना कि महेश की नौकरी चली गई और तुम्हारे घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। जी मौसी, बस मैं आपको क्या बताऊं कि इस वक्त हम लोग कितने बुरे हालातों से गुजर रहे हैं। परेशान मत हो कमला, सब ठीक हो जाएगा। एक काम करो, तुम लोग मेरे गांव चले जाओ, वहां हमारा एक मकान है जो सालों से बंद पड़ा है। तुम्हारे घर के हालात जब तक ठीक नहीं हो जाते, तुम लोग आराम से वहां रहो। बस उस घर में ऊपर की मंजिल पर एक बंद कमरा है, उसे मत खोलना। दरअसल उसमें हमारा कुछ जरूरी सामान है। और रही महेश की नौकरी की बात, तो उसके लिए भी परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उस गांव में जो स्कूल है, मैं उसके प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं उनको बोलकर महेश को किसी न किसी काम के लिए वहाँ लगवा ही दूंगी, और तुम लोग पिंकी और बबलू को भी उसी स्कूल में पढ़ा सकते हो। ये तो बहुत अच्छा रहेगा मौसी, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। कमला महेश के घर आते ही उसे सारी बात बताती है। महेश की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। ऐसा लग रहा था मानो जैसे जादू से पल भर में उनकी सारी मुश्किलें छूमंतर हो गई हों। पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उनकी मुश्किलें तो उनका कहीं और इंतजार कर रही हैं। कमला, तुम आज ही सारा जरूरी सामान बांध लो, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। अगले दिन सुबह पूरा परिवार गांव के लिए निकल जाता है। गांव पहुंचते पहुंचते उनको शाम हो जाती है। गांव पहुंचकर महेश बताए हुए एड्रेस को ढूंढने लगता है, तभी उसे एक आदमी मिलता है। भाई साहब, जरा ये पता तो बताना, दरअसल हम लोग इस गांव में नए हैं, तो हमें यहाँ का कुछ नहीं पता। तुम लोग यहाँ क्यों जा रहे हो? तुम लोगों को क्या पता नहीं है कि ये घर सालों से बंद पड़ा है, और बंद घरों में अक्सर भूत अपना डेरा जमा लेते हैं? भूत वूत कुछ नहीं होता भाई, तुम तो बस मुझे ये पता बता दो कि कहाँ पड़ेगा। हम लोग बहुत दूर से आए हैं, बहुत थक गए हैं। ठीक है, मुझे क्या, जब तुमको ही अपनी और अपने परिवार की कोई फिक्र नहीं है तो ऐसा करो, तुम यहाँ से सीधे चले जाओ और वहां से बाएं तरफ मुड़ जाना। बस वही एक पीपल का पेड़ है जिसके बिल्कुल सामने ही ये घर है। महेश अपने परिवार के साथ उस घर तक पहुंच जाता है। घर देखकर साफ पता चल रहा था कि वहाँ कई सालों से कोई झांका भी नहीं है। ये तो कितना पुराना घर है माँ, और कितना डरावना भी। इतने बुरे वक्त में हमें ये घर रहने को मिल गया, वही बहुत है। हम इसकी साफ सफाई कर लेंगे तो ये भी अच्छा दिखने लगेगा। चलो अब यहाँ खड़े रहकर बातें मत करो और जल्दी अंदर चलो। महेश जैसे ही उस घर का दरवाजा खोलता है तो घर में तेज हवाएं चलने लगती हैं। बाहर तो पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, और यहाँ इतनी तेज हवा कैसे चल सकती है? क्योंकि यहाँ भूत है। पिंकी बबलू के पीछे चिल्लाते हुए भागती है। रुक रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ, रुक। बबलू सीढ़ियों से भागते हुए ऊपर वाली मंजिल पर पहुँच जाता है। पिंकी भी बबलू को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। बबलू को अचानक किसी औरत के रोने की आवाज आती है। बबलू वहीं रुक जाता है और ध्यान से उस आवाज को सुनने लगता है, पर आवाज अचानक से बंद हो जाती है। क्या हुआ बबलू, थक गया क्या? नहीं दीदी, मुझे अचानक किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई पड़ रही थी, इसलिए मैं यहाँ रुक गया। इतनी रात को कौन रोएगा? जरूर तूने किसी बिल्ली के रोने की आवाज सुनी होगी और तुझे लगा होगा कि कोई औरत रो रही है। अब चल नीचे, कुछ खा पी कर सो जाते हैं।
बबलू पिंकी को बहुत समझाता है पर पिंकी उसकी एक नहीं सुनती। उसे लगता है कि बबलू उसे डराने के लिए ये सब बातें बोल रहा है। पिंकी बबलू की बात पर ध्यान नहीं देती और वापस नीचे जाने लगती है। बबलू भी उसके पीछे पीछे जा ही रहा होता है पर अचानक उसकी नजर एक बंद कमरे पर पड़ती है जिस पर ताला लगा होता है और उस ताले पर एक लाल रंग का कपड़ा भी बंधा होता है। लगता है ये वही कमरा है जिसके बारे में मौसी जी माँ को बता रही थी। ऐसा क्या जरूरी सामान रखा है इस कमरे में जो इस पर इतना बड़ा ताला लगा है? तुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मौसी जी ने हमें मना किया है इस कमरे में जाने से, तो बस हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। रात को खाना खाकर सब सोने चले जाते हैं। आधी रात को अजीब सी खटखट की आवाज से पिंकी की अचानक आंख खुल जाती है। बबलू जल्दी उठ, जरा देख कर तो आ कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। मुझे सोने दो दीदी, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, आप खुद जाकर देख लो। पिंकी डरते हुए अपने बेड से खड़ी होती है और ध्यान से उस आवाज को सुनने की कोशिश करती है। आवाज बाथरूम से आ रही होती है। पिंकी बाथरूम का दरवाजा खोलती है और डरते डरते उसमें झांकती है। जैसे ही वो अंदर देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। बाथरूम में पड़ा वाइपर अपने आप दीवार से जोर जोर से टकरा रहा होता है। पिंकी डर के मारे पसीने पसीने हो जाती है और भागते हुए नीचे अपने मम्मी पापा के पास जाती है। मम्मी पापा जल्दी उठो। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो पापा, वो बाथरूम वाइपर, पापा ऊपर भूत भूत। क्या बोल रही हो पिंकी, ठीक से बताओ बेटा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी बबलू भी वहाँ आ जाता है। पापा वो ऊपर बाथरूम में वाइपर अपने आप दीवार से जोर जोर से टकरा रहा था। ये तुम्हारा वहम है बस और कुछ नहीं, चलो अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाओ, जब कल सुबह उठोगे तो सब बुरे सपने की तरह खुद ही भूल जाओगे। पिंकी और बबलू अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। दो तीन दिन तक सब कुछ ठीक रहता है पर अचानक एक रात पिंकी को किसी के रोने की आवाज आती है। वो उठकर कमरे के बाहर जाकर देखती है तो बाहर कोई नहीं होता पर रोने की आवाज अभी भी आ रही होती है। पिंकी थोड़ा और ध्यान से सुनती है तो उसे वो आवाज उस बंद पड़े कमरे के अंदर से सुनाई देती है। जैसे ही पिंकी दरवाजे से कान लगाकर और ध्यान से सुनने की कोशिश करती है, आवाज अचानक से बंद हो जाती है। पिंकी डरकर अपने कमरे में भाग जाती है पर रात भर वो उस बंद कमरे के बारे में सोचती रहती है। पिंकी जब सुबह उठती है तो उसे लगता है जैसे रात को जो कुछ भी हुआ वो सब उसका वहम था और वो इस बारे में किसी को नहीं बताती। एक दिन बबलू उस बंद कमरे के बाहर बॉल से खेल रहा होता है। वो उस कमरे में झांकने की कोशिश करता है पर कुछ दिखाई नहीं देता। रात को जब सब सो रहे होते हैं तब बबलू के दिमाग में वो बंद कमरा घूम रहा होता है। वो उस बंद कमरे के बाहर जाता है। मैं इस ताले को कैसे खोलूं? मैं कुछ देखता हूं जिससे मैं ये ताला तोड़ सकूं। बबलू जल्दी से एक हथौड़ी ढूंढकर लाता है और उस ताले को तोड़ देता है। जैसे ही वो उस कमरे की कुंडी खोलता है उसे पीछे से किसी के आने की आवाज आती है। दरअसल पिंकी हथौड़ी की आवाज से उठकर बाहर आ जाती है। कौन है यहाँ, कौन है यहाँ, ये ताला किसने तोड़ा? ये जरूर बबलू का काम है, वो अपने बिस्तर पर भी नहीं था। पिंकी से रहा नहीं जाता और वो कमरे के दरवाजे को खोलकर अंदर झांकती है। उसको तभी एक झटका सा लगता है जैसे उसके अंदर किसी की आत्मा घुस गई हो। पिंकी को बहुत अजीब सा महसूस होता है और वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह उठते ही महेश अपनी नौकरी के सिलसिले में सुबह ही घर से निकल जाता है। पिंकी घर की सफाई में अपनी माँ का हाथ बटाने लगती है और बबलू आंगन की सफाई करने बाहर चला जाता है। पिंकी का बर्ताव कुछ अलग सा होता है। वो बिल्कुल चुपचाप खिड़की पर खड़ी बाहर पीपल के पेड़ को ऐसे देख रही होती है जैसे वो अपने होश में ही ना हो। पिंकी तू वहाँ खड़ी क्या देख रही है, चल जल्दी से मेरे साथ काम करवा। पिंकी कमला की आवाज सुनकर एकदम होश में आती है। उस दिन से पिंकी कभी कभी अजीब बर्ताव करने लगी थी। वो अक्सर उस पीपल के पेड़ को देखती रहती थी। एक दिन पिंकी अपने कमरे में लगे शीशे को एक कपड़े से साफ कर रही होती है तभी उसे शीशे में एक चुड़ैल अपने पीछे खड़ी हुई दिखाई देती है। पिंकी जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वहाँ कोई नहीं होता। पिंकी फिर से शीशे को साफ करने लगती है तो इस बार वो चुड़ैल अपने बड़े बड़े नाखूनों वाले हाथ पिंकी की गर्दन पर रख देती है। मम्मी बबलू मुझे बचाओ, जल्दी आओ, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। कमला और बबलू जल्दी से पिंकी के कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि पिंकी बेहोश पड़ी है।
अगर आप आगे की कहानी देखना चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।